इसके बाद आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। कौन से फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं? तो दो मेजर फैक्टर होते हैं जो सरफेस टेंशन को चेंज करते हैं, या जिस सरफेस टेंशन जिनसे अफेक्ट होती है। सबसे पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होने से सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? तो जैसे जैसे हम किसी भी एक लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, जो वंडरवॉल फोर्स होती है, वो फोर्स क्या हो जाती है? बिकेम वीक। और जब उनके बीच की फोर्स वीक हो जाती है, तो ये दो पार्टिकल जो अभी एक दूसरे के साथ ऐसा अट्रैक्शन की फोर्स लाके नजदीक बैठे हुए थे, एनर्जी मिलने से ये पार्टिकल क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। धीरे धीरे सेपरेट होने लगे, और जब मॉलिक्यूल सेपरेट होने लग गए तो सरफेस पहले से कम होगी या सरफेस बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, कि दो मॉलिक्यूल्स पहले ऐसे थे, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे बढ़ गए, डिस्टेंस बढ़ गया, तो सरफेस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है? धीरे धीरे डिक्रीज होती है। हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया पानी का, अब इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि वो लिक्विड वेपर स्टेट में आ गया। तो जब लिक्विड वेपर स्टेट में आ जाता है, तो हम क्या देखते हैं? सरफेस टेंशन की वैल्यू तो और भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल सब सरफेस पर ना रह के किस स्टेट में आ जाते हैं? वेपर स्टेट में आ जाते हैं। तो अब एक बात समझो कि इसका मतलब क्या हो गया, सरफेस टेंशन की वैल्यू और भी कम हो गई। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से दो मॉलिक्यूल्स के बीच के सेपरेशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल वो सेपरेट हो गए, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल अभी भी किस में थे? लिक्विड के अंदर ही थे। हमने टेम्परेचर और बढ़ाया, टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि अभी लिक्विड के पार्टिकल वेपर फॉर्म में चले गए। तो इसका मतलब क्या, लिक्विड के पार्टिकल लिक्विड की सरफेस छोड़ के वेपर में चले गए, मतलब सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो गई? और भी कम हो गई। क्योंकि तो टेम्परेचर बढ़ने से दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो अट्रैक्शन की फोर्स कम हो गई, मतलब सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है।